सो वॉइस अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो यार बेसिकली है ना, मेरे मूड में जची थी कि भाई साहब मैं स्क्वाड रैंक पुश करता हूँ, तो हम लोग खेलने लगे और फिर हमारे काफ़ी अच्छे मैच गए थे। फिर मैंने सोचा कि अभी आप लोग को भी मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट रैंगल वाला मैंने डाल दिया था कल परसों के दिन, और आज ही मेरा हमारे वाला गेम है। और इस वाले गेम में लिटरली में जो मजा आता है ना भाई, क्या ही बोलूँ। हमको ना टोटली कम्पिटेटिव वाली फीलिंग्स आती है भाई, इतनी अच्छी फाइट्स होती है, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्क्रिम्स खेल रहे हैं। एंड ये चीज आप लोग को लगेगी या नहीं लगेगी, ये चीज तो आप लोग देख के बताना। और बाकी देखो, सीन ऐसा ना कि मैं ना फाइट ही फाइट दिखाना चाहता हूँ, तो इस वजह से शायद से मैंने एडिटिंग में ओनली फाइट्स दिखाई है, तो इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि है ना, मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि ये कम्पिटेटिव है, क्योंकि कम्पिटेटिव फील जब भी होता है जब बस थर्ड पार्टी वगैरह होती है और सारा कुछ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जब भी फील हो जाएगा आप लोग देखना जब। एंड बेसिकली ये जो भाई इधर है ना, फायर इतना ज्यादा हो रहा है ना कि भाई बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। सो बेसिकली है ना, यहाँ पर फाइट्स ज्यादा नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, और मेरे को ज्यादा किल्स नहीं मिलते, इस वजह से ज्यादा फाइट नहीं दिखा रहा मैं। और जैसे ही हमारी फाइट कंप्लीट होती है तो निकलता हूँ, और आते इस वाली जगह पे, जहां पे आते ही भाई ये वाली टीम सीधे से पुश करती है, तो अपन ने इनको आराम से निपटा दिया। और यहाँ तक गेम नॉर्मल जा रहा था, अभी तक कोई मतलब कोई इश्यू नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद गेम का रुख काफी हद तक चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होती है एक टीम। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लेयर चला देते हैं। एक्चुअली मैं नहीं चलाता, मतलब हमारे टीममेट कोई नहीं चलाते, बस ये क्या है, लड़की होगा तुमको पता ही है, वो कुछ भी कर सकती है, तो इस वजह से इसने भाई यहीं पे फ्लेयर चला दी। हमने मना किया था लेकिन सुनी नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे घूमने गए, और घूम के फिर वापस जैसे ही आए तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाड़ी ठोक दी ताकि कोई लूट ना पाए, और उसके बाद मैं आराम से ड्रॉप को लूटा, इससे मेरे को M249 मिल जाती है। और जैसे M249 मिलती है ना, वैसे हम लोग निकलते हैं इधर से, और जैसे ही लाइक ना इधर रेड जोन वगैरह होता है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम लोग आराम से लूट लेते हैं और फिर निकल रहा होता हूँ ना, उतने में भाई सर राइट साइड में एक आ जाती है टीम, और मैं यहाँ पे गाड़ी चेंज करने के लिए रुकता हूँ, लेकिन भाई ये टीम मजे ले जाती है बीच में। तो ये वाली टीम से ना काफी अच्छी फाइट्स होती है हमारी, और देखो किस तरीके से मारेंगे इस वाली टीम को, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो ये बंदों ने हमारी गाड़ी पूरी फोड़ दी थी, तो मतलब बहुत कड़ला था। लिटरली में ये वाला जो सर्वाइवल है ना, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे को मतलब इतनी ज्यादा पड़ रही थी, हमारे सारे टीममेट्स की हेल्थ डाउन हो रही थी, एंड हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं था, सब एक दूसरे को मतलब नॉक करे जा रहे थे, हम उनको नॉक कर रहे थे, वो हमको नॉक कर रहे थे, बस हमको इतना सा चाहिए था कि ना हम उनके दो टीममेट्स को नॉक कर दे, तो यहाँ पे मिलता वो मौका। बेसिकली यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, दूसरे को काफी ज्यादा लिट कर देता हूँ, एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं रोटेशन लेता हूँ लेफ्ट साइड में जाता हूँ, उतने में ही मेरे को दिखता है एक और बंदा, तो भाई इसको देखो किस तरीके से नॉक करेंगे, कतई तो भाई इसको तो कुछ गलत ही नॉक कर दिया भाई, हवा में दो तीन हेडशॉट पेल दिया, और इसको जैसे ही नॉक किया ना तो मैं समझ जाता हूँ कि दो तीन बंदे नॉक है इनके, तो अपन आराम से पुश कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे से पीछे की साइड जाते हैं, पीछे की साइड एक गाड़ी पड़ी होती है, थोड़ी बहुत डैमेज होती है, लेकिन हमारा काम बन जाना था क्योंकि हमको पुश करना था इस वाली टीम पे, और अगर पुश नहीं करते तो हम लोग इजिली मर जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक ऐसा सीन होने वाला है ना, हम लोग सामने फाइट लेंगे और पीछे से हमारे थर्ड पार्टी होगी, तो किस तरीके से वो वाली चीज़ को सर्वाइव होगा भाई, दैट वॉज अमेजिंग थिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे रोटेशन नहीं लेते हैं तो ये बंदे हमारी गाड़ी फोड़ देते, लेकिन सही टाइम पे रोटेशन ले लिया, उसका हमको फायदा हुआ। उसके बाद इंजॉय करो ये वाली फाइट को, काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं वॉइस ओवर करके पकाऊंगा नहीं आपको, तो इंजॉय ना। एंड ये वाला किला आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और इस बात पे भाई सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लेना, क्योंकि भाई काफी अच्छा था, मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद में ये बंदा होता है जो कि भाई ज्यादा ही कुलबुलाट था इस बंदे के अंदर, नेट करे जा रहा था बार बार और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने इसको नॉक फिनिश एक साथ डाल दिया। उसके बाद नेट वगैरह करता हूँ, नेट वगैरह करने के बाद मैं सीधे से पुश करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि इनके जो टीममेट्स है बहुत ज्यादा लिट होंगे और मोस्टली एक या दो बंदे बचे होंगे, तो मैं करता हूँ सीधे से पुश और देखो किस तरीके से फिनिश करते हैं ये वाली टीम को। पीछे से कवर तो आ ही रहा था और इसी के साथ में ये वाली टीम भी फिनिश हो जाती है। और यहाँ पे भी हमको लग रहा था कि भाई कंपेटेटिव खेल रहे क्योंकि पीछे से इस तरीके की थर्ड पार्टी हुई थी और काफी अच्छी टीम्स थी ये वाली भी और काफी अच्छे खेल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इन पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि ये ज्यादा अच्छे से खेल ही नहीं पाए और हमने इनको आराम से निपटा दिया। उसके बाद आते ये वाली जगह पे, जहां पे आते भाई हम पे स्नाइपर चलने लग जाती है और मेरे पास स्नाइपर होती नहीं है, तो फिर मेरे को इधर से हटना पड़ता है और काफी देर टाइम वेस्ट करने के बाद फिर सीधे से हम लोग रोटेशन लेते हैं और उससे पहले एक स्मोक कर लेते हैं। एंड स्मोक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना साउंड वगैरह का भी लोचा हो गया है क्योंकि अभी ना जिस रिकॉर्डर को मैं यूज ले रहा हूँ उससे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी आ रही है, लेकिन जो ऑडियो है ना उसमें थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है बार बार, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे एक टीम के दोनों बंदों को नॉक कर दिया और उसके बाद में जो ऊपर वाली टीम थी उसने उनको फिनिश कर दिया और सामने वाली टीम का भी मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, दूसरे बंदे ने वो काफी ज्यादा लिट कर दिया और यहाँ पे भाई लिटरली में आई डोंट नो मैं कैसे बचा भाई, I don't know कैसे बचा, बस बच गया। इसके बाद देखो ये वाली फाइट्स को और इंजॉय करो ये वाली फाइट को ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से मजा आए क्योंकि साउंड का भी क्लिच है कुछ। एंड इसी के साथ में ये वाला चिकन हो जाता है, उसके बाद दूसरा मैच लगाते हैं। यहां पे एक्चुअली मैं कॉल पे बात कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने किस तरीके से ये वाला किल लिया एक और बार देखो। भाई ये बंदा कतई मस्त मजे ले रहा दूसरे वाले बंदे को फिनिश करने में और अपन ने इसका आराम से धर दिया, इसका बसरा सा ताड़ दिया कतई भाषा, उसकी बैंस की टेंट कर दी। उसके बाद में एक और बंदा दिखता है मेरे को और मैं इसका किल लेने के लिए नीचे चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता होता है कि उस पर गन तो है नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बंदा जो कि उधर जा रहा होता है तो उसको डैमेज देते हैं हल्का फुल्का, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूँ तो मेरे को स्कारल वगैरह मिल जाते हैं और फिर मैं सीधे से नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता होता है कि उसको ज़्यादा अच्छे से लूट मिली नहीं होगी अभी के लिए, जस्ट नॉर्मल लूट मिली होगी, तो मैं कूदता हूँ और उसके बाद किस्मत देखो इस बंदे की, इतना बचा लेकिन फाइनली में जाके ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। और ये दोनों मैच ने मेरे मार के लिटरली बोल रहा हूँ, एक तो ना भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इंडो प्लेयर्स भी आते हैं एंड बेसिकली ना लाइक जो मतलब टीम्स होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। और उसके बाद मैं आता हूँ ये वाली जगह पर, यहाँ पर मेरी किस्मत हार रही, राइट वाले बंदे को नॉक करने के चक्कर में लेफ्ट वाले बंदे से पिट गया मैं और लेकिन फिर भी अपने को इधर इजीली रिवाइव मिल गया। उसके बाद हम लोग सीधे से इन पे पुश करते हैं और देखो किस तरीके से मारते हैं सबको। सो इसी के साथ में ये वाली टीम भी फिनिश हो जाती है और जैसे ये वाली टीम फिनिश होती है तो हम लोग सोचते हैं कि अभी निकलना बेटर रहेगा, लेकिन उतने में आ जाती है एक और टीम जो कि हमारे पे थर्ड पार्टी करने चाह रही थी। और मैं इधर हेल्थ वगैरह भी नहीं करता, उससे पहले लाइक ये बंदा दिखता है मेरे को तो देखो किस तरह मारते हैं, तो इसको कतई एमबोट की तरह मारते हुए और फिनिश भी एक साथ ही कर दिया। और इसको जैसे फिनिश करता हूँ तो वैसा मैं इधर से लाइक किल वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इनका जो एक टीममेट होना है वो हरामी होता है और वो सीधे से चला जाता है अरीना साइड में, यानी कि जो पीछे वाला मेन कंपाउंड है उसमें चला जाता है, लेकिन ज़्यादा उसकी भी अच्छी किस्मत नहीं होती क्योंकि हम आ जाते हैं और आराम से इस वाले को निपटाते हैं। और इसको चारों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया था और फिर आराम से निपटाया उसको, जैसे निपटाते हैं तो फिर गाड़ी लेके निकल जाते हैं इधर से और गाड़ी लेके जैसे निकलते हैं तो हम लोग को दिखती है एक मतलब जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते और उतने में हमको एक बग्गी दिख जाती है और ये वाली बग्गी लाइक मतलब सीधे से जा रही होती है लेकिन इसकी किस्मत ख़राब होती है कि हम मिल जाते हैं और जैसे ये दिखती है तो भाई हम लोग इधर फायर लेते हैं। तो इसको इतना ज्यादा डैमेज दे दिया कि ये बंदा ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो हम लोग सीधे से पुश करते हैं और पुश करने के बाद देखो किस तरीके से निपटाते हैं इस वाले बंदे को। तो यहाँ पे इसको मैंने काफी लेट कर दिया और मैं सोचा किल गया मेरा,
और ये बंदा कुछ ज्यादा ही चालाक था भाई, ऑलरेडी प्रीफायर देना चालू कर दिया कि भाई आराम से निपटा दूंगा, लेकिन क्या ही बोले, हम चार थे तो इस वजह से वो बंदा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद हम लोग जाते हैं गोल्डन मिराडो लेने के लिए, और मेरा मार में हम लोग खेलते हैं तो यार गोल्डन मिराडो ही चलाते हैं, लेकिन वो हमको मिलती नहीं है, तो फिर हम लोग आ जाते हैं वापस से इस वाली जगह पे, और यहाँ पे आती है एक और टीम, यहीं से हम लोग घूम फिर के गए थे और यहीं पे वापस से एक टीम आ गई। तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ और आगे आके यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, एंड जैसे नॉक करता हूँ फिर मैं सीधे से पुश करता हूँ, देखो किस तरीके से निपटाते इस वाली टीम को। सबसे पहले तो फिनिश करूंगा, किल चाहिए मेरे को। यहाँ पे मेरे को लास्ट वाले बंदे का भी किल मिल सकता था, लेकिन आपको तो पता ही है वैसे टीममेट्स कितने हरामी होते हैं, साले को नीचे से धर दिया उसने। उसके बाद हम लोग सीधे से गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठाने के बाद सीधे से इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, हम लोग चाह रहे थे कि जितना अच्छा किल्स मिले उतना अच्छा। और यहाँ पे जैसे हम लोग आते तो भाई हम लोग को टोटली कम्पिटेटिव वाली फीलिंग्स आ जाती है, टोटली T1 स्क्रिम्स वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि भाई हमारे चारों तरफ बंदे होते हैं, हम लोग चारों तरफ फाइट ले रहे होते हैं और हमको लिटरली में कोई नहीं मार पाता भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, कोई नहीं मार पाता। हम लोगों ने सब बंदों को फिनिश कर दिया और ये बंदे भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन क्या ही बोले। और उसके बाद ना हमें कुछ चारों तरफ से पड़ रही थी, मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा सेफ जाता हूँ, सेफ जाने के बाद मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके ये बंदे को नॉक करता हूँ, नॉक करने के बाद फिनिश करने की मैं काफी अच्छी ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई और बंदा नॉक कर देता है। और जैसे यहाँ पे नॉक करते हैं तो मैं टीममेट से बोलता हूँ स्मोक वगैरह कर दो ताकि मैं बच सकूँ, और स्मोक करने के बाद आराम से मेरे को रिवाइव वगैरह मिलेगा, एंड रिवाइव वगैरह मिलने के बाद ये बेचारे बंदे को किसी ने रिवाइव नहीं दिया, साले को मैंने टैप टैप देके नॉक फिनिश कर दिया। और उसके बाद में लास्ट के कुछ बंदे बचे थे तो फिर हम लोग ज्यादा से पुश करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अब लास्ट की फाइट एंजॉय करो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस।